यहाँ पे ऑस्कर कोक का मजा उठाते हुए, कोक पीते हुए ऑस्कर, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो ऑस्कर एकदम बिजी है। ऑस्कर हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, एंड सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह के बज चुके हैं 6:45, तो अभी मैं आ चुका हूँ घर पे, और घर पे आ चुके हैं और फिर से जाने के लिए तैयार हैं कहीं पे। तो हम लोग जा रहे हैं भाई नोएडा। तो हमारे साथ जा रहे हैं गोलू, मम्मी और मैं, हम तीन लोग जा रहे हैं भाई नोएडा, और वहीं पे होली मनाएंगे अब की बारी, और वहीं पे हम व्लॉग बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और वहीं पे जो है मौसी है, मौसा, अंकल, आंटी, और पापा भी वहीं पे हैं, पापा भी वहीं पे जॉब करते, उनसे मिलने जा रहे हैं सबसे, और वहीं फ़न करेंगे। तो भाई चलो निकल पड़ते हैं सुबह सुबह। हमारे जो सामान है वो पैकिंग वैकिंग सब हो चुकी है, और अभी जो मम्मी तैयार हो रही हैं, गोलू तैयार हो चुके हैं, हम भी तैयार हो चुके हैं, तो बस निकलने जा रहे हैं थोड़ी देर में। 7 बजे हमारी बस है, तो जल्दी से फटाफट निकलते हैं। हम लोग उठ चुके थे 4 बजे, इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? या तो एग्ज़ाम में पढ़ाना हो उस दिन उठते हैं, या फिर कहीं जाना हो बस उसी दिन उठते हैं, इतनी जल्दी कभी नहीं उठते हैं। बात तो सही है। तो यहाँ पे रहेंगे ना 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 नहीं बसंत के साथ, बसंत अकेले नहीं रहे होंगे, लंबे कान वाले। रखो जल्दी सामान गोलू, रखो। ये भाई देखो, आप गिर पड़ोगे, मैं झोला के dove into the deep end, 'cause I thought I could swim. We break up every weekend. Was it gonna be like that? Oh, I just wanted you so bad. Playing with my mind, was that your intention? 'Cause I'm missing you. तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भाई बस स्टैंड, बस में बैठ चुके हैं। अभी तो पूरी बस खाली डली है और हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी तो यहाँ से जाएंगे आगरा, आगरा से फिर बस चेंज करेंगे परी चौक के लिए। तो मम्मी बैठी हैं, गोलू बैठे हैं विंडो सीट पे। हाँ, और गोलू कैसा लग रहा है? गोलू इज़ वेरी एक्साइटेड, तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। वैसे कोई प्लान नहीं था, इमीडिएट प्लान बन गया एकदम अचानक, एकदम रातों रात। पहले मम्मी का जाने का था कि मम्मी अकेले जाएंगी, मम्मी और गोलू, हम नहीं जा रहे थे, तो हम नहीं जा रहे थे, तो फिर मम्मी भी नहीं गई, और फिर अचानक एकदम प्लान चेंज हो गया। तो फिलहाल देखते हैं कैसा रहता है हमारा सुबह से शाम तक का सफ़र परी चौक तक का। तो मिलते हैं भाई, धीरे धीरे अपडेट देते रहेंगे। तो अभी हम लोग और ये पहुंचने वाले हैं, इस साइड काफ़ी सारी धूप आ रही है, वैसे बहुत धूप लग रही है, बहुत देर से धूप में बैठ, पता नहीं कब साइड चेंज होगी, तो धूप चली जाए तो मज़ा आ जाए। यहाँ पर काफ़ी सारे बस किस प्रकार भर चुकी है भाई साहब, और फिर लोग कहते हैं कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, पूरी बस भरी पड़ी है पूरी पीछे तक, सीट पर तो जगह है नहीं, लोग खड़े हैं पूरी गैलरी में भाई लोग। तो अभी हम लोग आ चुके हैं भाई हाईवे पे, इटावा कानपुर वाले हाईवे पे। तो अभी यहाँ से है आगरा 186 किलोमीटर कुछ। तो गोलू उठ चुके हैं, गोलू ने 16 है को पापो 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 मच्छी, आवाज़ ही नहीं आ रही सही से। तो फिलहाल आप कुछ देर, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे आगरा, फिर वहाँ से परी चौक। A few hours later. तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इटावा, और यहाँ से आगरा रह गया है अभी 124 किलोमीटर, तो अभी काफ़ी दूर है। अभी हम लोगों ने खाना खा लिया है, मम्मी बना के लाई थी भिंडी, गोलू ने खूब खाई भिंडी। क्या रोटी खाई बोलो तुमने, मौसा बोलो, तीन बस झूठी बोल रहे हो, मम्मी कह रही ज़्यादा खाई तुमने। नहीं वैसे तीन ही खाई तुमने, बस खरगोश लग रहे थे। माइक देखो हमारे भाई लोग, भाई पब्लिक प्लेस में व्लॉगिंग करना भाई बहुत ऑकवर्ड लगता है मेरे को, मतलब लोग देखते भाई साहब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जब फोन में देखते देखते, लेकिन जब एक बार करने लगो बस फिर नहीं लगता, शुरुआत में लगता है थोड़ा सा ऑकवर्ड, लेकिन जब करने लगो भाई व्लॉग्स तो बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगता है।
sunshine, running beside the lions. I've been feeling dumb, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix it? So, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद. और फिरोजाबाद फेमस पता ही है किस लिए, चूड़ियों के लिए. एक चैप्टर था हमारी किताब में लॉस्ट स्प्रिंग 12th में, उसमें छोटा सा पार्ट था फिरोजाबाद का. क्या क्या कह रहे, कुछ कह रहे तो बेटा पकड़ के बैठो नहीं तो बच्चे को जितना था कहीं लड़ जाएगा पाइप में, समझ गए. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नोएडा मौसी के घर पे, और गोलू खा रहे हैं नमकीन और मम्मी और मौसी बना रही हैं खाना. ये हमारे ऑस्कर दादा, ऑस्कर ने फैला दिया कचड़े कचड़ा, बमचक काट दिया बोतल, नहीं कैसी तैसी कट डाली, जीप चिरा रहे. ऑस्कर कुछ बोलेंगे आप, हाय हाय कर रहे, हाय कर लो आज. तो आज सुबह से ही सफ़र कर रहे हैं 8 बजे से, और अभी 5:30 बजे पहुंच गए थे, और सुबह 4 बजे गए थे और 5:30 पे पहुँचे. आज हम लोगों ने कवर किया है भाई 422 किलोमीटर. पहले हम लोग आए हैं ओरई से आगरा के 245 किलोमीटर, और टिकट था 320 का. फिर आगरा से आए हम लोग परी चौक से था 364 का. हम लोग आए एसी वाली बस से, तो उसका थोड़ा सा किराया महंगा है. अगर आप नॉन एसी बस से आएंगे रोडस वाली से तो उसका थोड़ा कम पड़ जाएगा, लेकिन हम लोगों ने सोचा चलो यार इसी से चलते जो भी मिल जाए, क्योंकि जल्दी आना था हम लोगों को. तो काफ़ी मज़ा आया, और बीच का सूट नहीं कर पाए, थोड़ा सा एसी वाली बस में एम्बेरसिंग लग रहा था. हम अपने ऐसे लग रहे थे जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन हो, फाइंड आउट ऑड वन, अगर सबको लाइन से खड़े कर दो पहचान भाई ऑड वन, तो हम ही लोग निकलते उसमें से, ऐसा लग रहा था. तो फिर वहाँ पे मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, तो फिर मैंने वहाँ पे व्लॉगिंग नहीं करी, और अब फाइनली यहाँ पे आके मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ. और वहाँ में एकदम अलग ही दिखा रहे थे. टच पच कुनिया तो वहाँ में एसी वाली रोड बेस शताब्दी है थी. तो बैठ गए हैं हम ना, बावले में पहली बार बैठे थे. नहीं कैसी बस जानों सी बस में बैठ के आराम से, नहीं मौनी मस्ती से आए. नहीं बावली पर रोड में नहीं आते तो बहुत खा पा रहा था, गर्मी लग रहा था, जाम में कुछ पता ही नहीं चल, बहुत आराम से आए, बढ़िया मजा आ गया, पता ही नहीं चलो रास्ता को. यमुना एक्सप्रेस भी है तो बढ़िया. हाँ रोड 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 तो कहूँ खराब नहीं है, सब दोनों बढ़िया. लेकिन मतलब सुबह सुबह कैसे मिल गई, मतलब नहीं यहाँ आ, और वहाँ बस में एक कपल है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी जा रहे. कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लोना. हम जो नोटिस कर रहे वे अब क्या बताए, ठीक ही है, समझ रहे हो बगल वाली सीट पे हमारे कपल आते. मम्मी क्या रही, मम्मी को पता नहीं चल पाया. तुम पीछे बैठी थे, हम फिर आगे आ गए थे.
हाँ हमारे अगल बगल दो वाली सीट रहती ना, तीन वाली नहीं रहती। भाई साहब को फोन करो, फिर भाई साहब फोन उड़ रहे हैं सीट के नीचे, फोन का को आओ तो हाँ भैया से भाई साहब उन्हें देख के आकाश गुप्ता का जोक आ गया भाई हमें यार। वो फुली वो कपली कपल नहीं होते जो लगे पड़े हैं एक दूसरे में यार, कोजी कोजी एकदम, मतलब उनके रोमांस पर स्टीम बन रही है, वो शीशों पे ओस जंगी है। मैंने भी हाथ लिया ऐसे टाइटैनिक कर दिया, मैं तो फील बरकरार है। देख ऐसी ऐसी आवाज आ रही है, बेबी क्या कर रहे हो, क्या किस दे दो ना, अरे सब देख रहे हैं, इस घर तुम्हें कोई शर्म आ रही है, ये सब चल रहा है। लेकिन उनका मोटो ये था कि तुम हमें गद्दा दो, हम तुम्हें बच्चा देंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई लोग एक दूसरे को मास्क कैसन देते। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वाले ब्लॉग में, और आगे के ब्लॉग देखते हैं भाई कैसे कैसे बनते हैं। फिलहाल अभी होली यहीं पे करेंगे, तो होली वाला ब्लॉग भी बनाएंगे हम साथ में, है ना गोलू, है कि नहीं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वाले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर जरूर क्या करें भाई बोलो, चैनल पर नए हो तो क्या करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें नॉट सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा टेक केयर एंड बाय।